हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग सोयाबीन से कोफ्ता बनाएंगे। ये मैंने सोया चंक्स लिया है, 10 रुपीज वाला आता है, ये 2 पैकेट मैंने लिया है। एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे से इसे उबाल लिया है। सोया चंक्स को हमें उबालना है। थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और ये सोया चंक्स को डाल दूंगी इसमें। इसी में मैं एक बड़े साइज का टमाटर कट करके डाल रही हूँ, इसे भी उबाल लेंगे। 3 मीडियम साइज का प्याज है, इसे भी रफली कट करके इसमें डाल दिया। थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, 1 टीस्पून वाटरमेलन का सीड डाल रही हूँ, 1 टीस्पून काजू का टुकड़ा, 7-8 लाल मिर्च, ये तीखा वाला है। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से इसे उबालेंगे जब तक के सोया चंक्स थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। मैंने सभी चीज को इसके अंदर में डाल करके इसलिए उबाला है ताकि जो भी मसाले का फ्लेवर है वो सोया चंक्स में भी आ जाए। तो मैंने सभी चीज को अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसे 10 से 15 मिनट अच्छे से उबाल लेंगे ढक्कन लगा करके। फ्लेम को मैंने कम कर दिया है। सोयाबीन और जो भी मसाला हमने डाला था अच्छे से उबल चुका है। टमाटर प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो इसे भी हमें छान लेना है और सोयाबीन को ठंडा करके इसके पानी को निचोड़ लेंगे और जो मसाला है उसे पीस लेंगे। तो चलिए इसे मैं छान लेती हूँ। सोया चंक्स को अच्छे से इस तरह से हाथ से गार करके मिक्सर में डाल दिया है और इसको मैं पीस लूंगी। चलिए मैं इसको पीस लेती हूँ। और ये जो हमने प्याज, काजू और टमाटर डाला था, टमाटर के छिलके को मैंने इस तरह से निकाल दिया है और इसका भी फाइन पेस्ट बना लेंगे। सोयाबीन्स को मैंने अच्छे से पीस लिया है इस तरह से। 6-7 हरी मिर्च जिसको मैंने दरदरा पीसा है, थोड़ा सा धनिया पत्ता कट करके लिया है। सोयाबीन जो पीस करके रखा है हमने इसे इसमें डाल देंगे। 2 पैकेट मैंने यूज करा है सोयाबीन का, 100-100 ग्राम का था, ये 200 ग्राम सोयाबीन है। और इसमें मैंने 2 बड़े साइज का आलू उबाल करके इसको अच्छे से मैश कर लिया, ये भी डाल दूंगी इसमें। बाइंडिंग के लिए बेसन डालेंगे 3 टीस्पून, 1 पिंच बेकिंग सोडा, थोड़ा सा नमक, नमक हमने सोयाबीन में भी डाला था उबालने के टाइम में, तो थोड़ा सा ही डालना है। फिर मसाले में भी डालना है तो उसी हिसाब से आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिए। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा भी नहीं डालना है, इसमें इतना नमी है कि ये अच्छे से डो बन करके रेडी हो जाए। मैंने सभी चीज़ को अच्छे से मिक्स कर दिया है। हाथ के ऊपर में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया और इसे कोफ्ते के साइज का मैं बना ले रही हूँ। आपको कितना बड़ा चाहिए कोफ्ता आप उस हिसाब से बनाइए। मैं इस साइज का बना रही हूँ तो इसी तरह से बना करके मैं एक प्लेट पे रख रही हूँ। ऑयल को हीट होने के लिए मैंने गैस के ऊपर में रख दिया है, तो इसे चलिए मैं बना लेती हूँ। सोयाबीन कोफ्ता बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनता है, जरूर ट्राई कीजिएगा एक बार आप लोग। मैंने सभी कोफ्ते को बना लिया है तो चलिए इसे फ्राई करते हैं। ऑयल को मैंने अच्छे से हीट कर लिया है, ऑयल अच्छा हीट होना चाहिए, इसे कम हीट में नहीं फ्राई करेंगे। फ्लेम को मैंने तेज रखा है तो चलिए इसे डाल करके फ्राई कर लेंगे। अगर आपका ऑयल अच्छे से गर्म नहीं रहेगा तो ये फिर बिखर जाएगा फ्राई करने के टाइम में, इसलिए ऑयल को अच्छे से हीट कर लें और फ्लेम को तेज ही रखें। ये कोफ्ता बहुत ही सॉफ्ट होता है तो बार बार इसे स्पून लगाना नहीं है, थोड़ा सा कलर आ जाए उसके बाद फिर इसे आप हल्के हाथ से टर्न करें। ज्यादा स्पून लगाएंगे तो ये टूट जाएगा, इसलिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। सभी साइड से अच्छे से कलर आ जाएगा गोल्डन कलर, फिर इसे हम निकाल लेंगे। अच्छे से फ्राई हो गया है सभी साइड से तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। ऑयल को वापस से अच्छे से हीट करेंगे, उसके बाद ही जो बचा हुआ हमारा कोफ्ता है वो डालेंगे। सभी कोफ्ते को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है तो चलिए अभी मसाला रेडी करेंगे कोफ्ते का। एक कढ़ाई मैंने चूल्हे के ऊपर में डाल दिया है और इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाला है, सरसों का ऑयल डाला है। ये हीट हो चुका है अच्छे से, आप ऑयल कम ज्यादा कर सकते हो। इसमें मैं छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल रही हूँ, 2 छोटा सा तेज पत्ता और ये जो मसाला पीस करके रखा था वो डाल दूंगी। इसी में 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। मैंने साबुत लाल मिर्च डाल करके पेस्ट बनाया है, तो बहुत ही तीखा मिर्च है। मैं अभी मिर्च पाउडर नहीं डाल रही हूँ, बस इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ कलर के लिए। अगर आप साबुत मिर्च नहीं डाल रहे हो तो इस टाइम में मिर्च का पाउडर डाल सकते हो। 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल कम कर देंगे। इसमें ढक्कन लगा करके मसाले को अच्छे से भूनेंगे जब तक इसका तेल सेपरेट ना हो जाए।
मसाले को अच्छे से भून लिया है, तेल भी सेपरेट हो गया है। 2 टेबल स्पून में फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ। अगर आपके पास में फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप मलाई का यूज़ कर लेना। अगर मलाई भी नहीं डालना चाहते हो तो ऐसे भी बहुत टेस्टी बनता है। इसे मिक्स करेंगे अच्छे से और थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने क्रीम को अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये पानी थोड़ा सा डाल लूँ। ये पानी वही है जिसमें मैंने सोयाबीन को उबाला था, वही पानी डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक उबाल आने देंगे इसमें। ग्रेवी अच्छे से उबल गया है तो सारा कोफ्ता डाल देंगे इसमें। इसे हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे। कोफ्ते को अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसमें मैं 1 पिंच के जितना गरम मसाला पाउडर डाली हूँ। थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ और कढ़ाई के लीड को लगा करके इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे हम। दो से तीन मिनट मैंने कोफ्ते को पका लिया है, ये रेडी हो चुका है। ज़रूर ट्राई कीजिए आप लोग भी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो लीजिए गर्मा गर्म सोयाबीन का कोफ्ता बन करके रेडी है। थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल ली हूँ मैं और थोड़ा सा फ्रेश क्रीम। ज़रूर ट्राई कीजिए, इसे बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही सॉफ्ट बनता है।